ये गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड है, लेकिन ये स्मार्ट ट्रैफिक से ज्यादा स्टंट बाजों के लिए मशहूर हो चुका है। तस्वीरें देखिए, कोई जन्मदिन का केक काटने एलिवेटेड रोड पर पहुंच जाता है, तो कोई इसी एलिवेटेड रोड पर आकर पिस्टल और तमंचा लहराता है। नई उम्र के नौजवानों को रील बनाने का जो रोग लगा है, उसके लिए इनका सबसे पसंदीदा ठिकाना यही एलिवेटेड रोड है। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर स्टंटबाजी, जन्मदिन का केक काटते हुए तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन ऐसे तमाम लोग फिर भी स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आए। आखिरकार पुलिस के सामने चुनौती बन रहे इन स्टंटबाजों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन अब हैरान करने वाली खबर ये आई है कि सीसीटीवी कैमरों की चोरों ने वायर काट दी। तमाम वीडियो सामने आई, जिसमें कि पुलिस के सामने बड़ी चुनौती देखने को मिली और पुलिस की काफ़ी इस पूरे मामले में छीछा लेदर भी हुई। पुलिस ने जगह जगह बोर्ड लगाए, लेकिन जो रीलबाज हैं वो नहीं रुके। यहाँ पर इस पूरे एलिवेटेड पर पुलिस वैन भी खड़ी की गई, पुलिस की मौजूदगी भी रहने लगी, लेकिन उसके बाद भी जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। फिर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाने के दो दिन बाद ही जो सीसीटीवी हैं उनकी जो केबल की तार है वह चोर काट के अपने साथ ले गए। 27 जगह से केबल तार काटी गई। कुछ दिनों पहले ही कंट्रोल रूम का उद्घाटन हुआ था। इस कंट्रोल रूम से एलिवेटेड रोड की निगरानी की जा रही थी, जिसके लिए 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन अचानक ही कुछ सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। जब मौके पर जाकर देखा गया तो वायर कटी हुई थी और कुछ वायर चोरी हो गई। 27 ऐसे सीसीटीवी की वायर चोरों ने काट दी थी और वायर चोरी करके ले गए। सीसीटीवी के वायर काटने के मामले में इंद्रापुरम थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और चोर की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया है और लापरवाही बरतने पर एक दारोगा समेत 10 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एलिवेटेड रोड पर एक अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति को घूमते हुए पाया गया, जिसने एलिवेटेड रोड पे लगे सीसीटीवी कैमरे के तारों के साथ छेड़छाड़ की, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। व्यक्ति की पहचान के लिए और उसकी गिरफ्तारी के लिए कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ एलिवेटेड पे लगभग 4 PC जो एलिवेटेड की लॉ एंड ऑर्डर और उसके सुरक्षा में लगाई गई थी, उन लोगों की ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि ये स्टंटबाजों की खुराफात भी हो सकती है, इसलिए पुलिस को इन स्टंटबाजों से निपटने के लिए अब कोई नया फार्मूला ईजाद करना होगा। गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।